इस वीडियो में बात करेंगे BHEL यानी भेल शेयर के बारे में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कह सकते हो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है ऑर्डर को लेकर, तो देखेंगे क्या भाई तेज स्टॉक में तो तेज़ी मतलब कहने को देखने को मिला है। यहाँ पर भी यहाँ पे आज के दिन भी तेज़ी, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी तेज़ी हमें नज़र आया। तो इस तेज़ी का पीछे वजह है सिर्फ यहाँ पर हमें जो भी अब पॉजिटिव जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है वहीं तो वजह हम मानेंगे जो भी तेज़ी हो रहा है। अब न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम डिटेल में देखने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़ के ऊपर जो न्यूज़ निकल के आ रहा है। उससे पहले हम यहाँ पर प्राइस चार्ट वगैरह जो भी है रिसेंट परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं जो भी हमें निकल के आते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो देखेंगे जो रिसेंट परफॉर्मेंस है 5.65% की तेज़ी में आज स्टॉक जो है नज़र आया, 237 पे क्लोजिंग आज के दिन देखने में मिला। जब से ओपन हुआ मार्केट लगातार कह सकते हो तेज़ी हुआ और उसके बाद थोड़ा स्टेबल हमें नज़र आया स्टॉक लास्ट में। अभी अगर हम बात करेंगे तो जो आज का इसका हाई है कह सकते हो लगभग उसके आसपास क्लोजिंग 237.95 का हाई है, 237.45 पे क्लोजिंग हुआ है। और बात करेंगे यहाँ पे 52 वीक का 275 का यहाँ पे हाई है, तो थोड़ा करेक्शन हमें देखने में मिला था स्टॉक में। तो कह सकते हो थोड़ा तेज़ी गिरावट तो होता रहता है मार्केट में, और जो भी आप यहाँ पे देख ही सकते हो 1 मंथ की अगर हम बात करेंगे बॉटम से टॉप तक तो काफ़ी मतलब 16% की तेज़ी नज़र आएगा। और बॉटम टॉप से बॉटम तक कंपेयर करेंगे 1 मंथ के चार्ट में तो देखेंगे जो भी 17% से ऊपर का हमें गिरावट यहाँ पर नज़र आएगा लगभग। आप देखेंगे यहाँ पर जो भी 17-18% का गिरावट, और पूरा कंपेयर करेंगे तो आप देख ही सकते हो 10% से ऊपर गिरावट है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, आज का मार्केट के ऊपर क्या कह सकते हो सेंटीमेंट आज मार्केट का क्या रहा उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर हम जानना चाहेंगे तो निफ्टी 50 आज के दिन ऊपर रहा 0.79%, सेंसेक्स 0.75% तेज़ी में रहा, मतलब क्लोजिंग जो देने को मिला है यहाँ पे। निफ्टी बैंक 0.81% की मतलब तेज़ी में नज़र आया हमें आज का क्लोजिंग। निफ्टी IT 0.78% की तेज़ी। S&P NBSE स्मॉल कैप में 2% से ऊपर की तेज़ी 2.01%। S&P NBSE स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट हमें नज़र आ रहा था, बट अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे न्यूज़ के ऊपर आखिर न्यूज़ की निकल के क्या आ रहा है, तो उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें और देख लेते हैं यहाँ पे इस शेयर को लेके, यानी भेल शेयर को लेके। वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा नज़र डालेंगे आप तो यस्टरडे का वॉल्यूम 5 करोड़ का वॉल्यूम था जिसमें 1 करोड़ का डिलीवरी उठाया गया। 1 वीक के एवरेज में 4 करोड़ के वॉल्यूम में 1 करोड़ का डिलीवरी उठाया गया। 1 मंथ के एवरेज में 5 करोड़ के वॉल्यूम में 1 करोड़ का डिलीवरी उठाया गया। और टुडे की अगर हम बात करेंगे तो आप देख ही सकते हो 4 करोड़ के वॉल्यूम में कितना परसेंट का डिलीवरी उठाया गया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वान्टिटी आखिर कितना रहा आज के दिन। आज का जो डिलीवरी परसेंटेज रहा 26.37%, मतलब 26% से भी ऊपर का डिलीवरी माल उठाया गया है आज के दिन। ऑलरेडी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बाई साइड में 3539 क्वांटिटी बाई साइड में मोटर यहाँ पर लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। और बाकी अगर हम बात करेंगे थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हो कंपनी के पास जो डेट है वो 5385 करोड़ का डेट है कर्ज, और 6642.58 करोड़ कंपनी के पास कैश है। तो देख सकते हो जो डेट कंपनी के पास है उससे ज़्यादा कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो ऑर्डर आ रहा है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो वेल को कह सकते हो कि NTPC के द्वारा कह सकते हो ऑर्डर मिला 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट शेयर की कीमत पर क्या असर। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेल शेयर मान में देखेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मार्केट कैप BSE पर कुछ 1 करोड़ आप देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कह सकते हो यहाँ पे इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी VHEL वेल को NTPC से 1600 मेगावाट के आप देखेंगे सिंगरौली सुपर क्रिटिकल कह सकते हो थर्मल प्लांट स्टेज 3 के सेटअप के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वेल के मतलब कह सकते हो वेल ने एक बयान में कहा कि प्लांट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के सिंगरौली में मौजूदा 2000 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन TPS के पास स्थापित किया जाएगा। और सिंगरौली TPS उत्तर प्रदेश में NTPC का पहला पावर प्लांट था जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और बयान में कहा गया कि सिंगरौली में भेल ने पहले जो मशीनें लगाई थी वे चालू होने के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और ये कुछ कह सकते हो कि न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है। जारी किए गए बयान में कहा गया इंटरनेशनल अभिज्ञा पर
कंपटीटिव बिडिंग ICB के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इंजीनियरिंग खरीद के निर्माण बेसिस पर 2x800 मेगावाट की क्षमता वाले आप देखेंगे यहाँ पे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट STPP स्टेज 3 की स्थापना के लिए NTPC से ऑर्डर मिला है। और प्रोजेक्ट के लिए मुख्य आप देखेंगे इक्विपमेंट्स कह सकते हो कि सप्लाई वेल की हरिद्वार अधिकेंगे त्रिची बेंगलुरु हैदराबाद आप देखेंगे यहाँ पे रानीपेट और यहाँ पे भोपाल में स्थित कुछ यूनिट्स करेंगी आप देखेंगे मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स करेंगी। और दूसरे साइड पे भी कुछ कह सकते हो न्यूज़ को अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे NTPC की तरफ से कह सकते हो वेल को ऑर्डर मिलते हुए हमें नज़र आया, वही न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं भाई। अब आपका ओपिनियन क्या है स्टॉक को लेके, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यही कुछ आज की इस वीडियो में था। और रेल की अगर हम बात करेंगे तो जिस चीज़ में कंपनी काम करते हुए नज़र आ रहा है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंटीग्रेट पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो कह सकते हो पावर सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी ये सब सेक्टर जो है ना आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ हमें दिखता है। बट उस तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में देखने को मिल जाए तो, और पहले भी कह सकते हो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में हमें देखने को मिला है पार्टिकुलर अगर हम बात करेंगे। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है स्टॉक लेके, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने कितने के प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया है अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।